नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। चुनाव के नतीजे आ गए हैं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है। ब्रांड मोदी की जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शानदार वापसी हुई है। आइए देखें कि जो देश की इंपॉर्टेंट सीट्स है, जो बहुत सुर्खियों में रही है, जो बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न रही है, उन सीटों पर क्या हो रहा है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं यूपी की अमेठी सीट पर। यूपी की अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं और देखते हैं कि ये जो अमेठी सीट है वो कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। अमेठी सीट कांग्रेस के लिए का गढ़ रही है। 1967 में अमेठी सीट का सृजन हुआ, तब से लगातार यहाँ पर कांग्रेस जीतती रही है। 2004 से राहुल गांधी यहाँ पर तीन बार सांसद रहे हैं। 2004 से राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे हैं। 2014 में वो चुनाव जीते, 2004 में भी वो जीते, 2009 में भी उनकी यहाँ से जीत हुई, लेकिन 2019 में अचानक से समीकरण बदले। आइए मैं बताती हूँ कि अमेठी सीट का क्या हाल है। 2014 में भाजपा ने स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी सीट पर उतारा। उस दौरान 2014 के चुनाव में जब पूरे देश में मोदी की लहर थी, स्मृति ईरानी ने वहां पर धुआंधार प्रचार किया, पार्टी का बेस खड़ा किया और राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गई। लेकिन चुनाव हारने के बावजूद स्मृति ईरानी ने अमेठी का दौरा और अमेठी का प्रवास नहीं छोड़ा। वो लगातार पिछले 5 सालों से अमेठी के अंदर बीजेपी का एक बड़ा बेस तैयार करने में जुटी रही। उन्होंने तमाम सारे यहाँ पे विकास के कार्य कराए, भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज इकट्ठा की, लगातार वो प्रवास करती रही, पार्टी कार्यकर्ताओं से, वहाँ के लोकल लोगों से मिलती रही, उनकी समस्याएँ जानती रही। शायद बीजेपी के सूत्रों का कहना है ये प्रधानमंत्री का एक उनको निर्देश था कि उन्हें अमेठी में भाजपा की एक पैड तैयार करनी है, जमीन तैयार करनी है, और इस काम को, इस जिम्मेदारी को स्मृति ईरानी ने बखूबी निभाया भी। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी में लगातार जनसभाएं की, रैलियां की, जनसंपर्क किया, लोगों से वो गली गली जाकर लोगों से मिलती रहीं, उनके कामकाज का, अपने कामकाज का ब्यौरा देती रहीं। सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो वो लगातार राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देती रही। दोपहर 1 बजे तक वो काफ़ी राहुल गांधी से वोटों की गिनती में काफ़ी आगे निकल गई। आइए नज़र डालते हैं स्मृति ईरानी के प्रोफाइल पर। स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ। वो बिल्कुल साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी माँ बंगाली थी, पिता पंजाबी। शुरुआती पढ़ाई के बाद स्मृति ईरानी मॉडलिंग के करियर के लिए मुंबई चली गई। वहाँ उन्हें काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने रेस्तरां में झाड़ू पोछे का काम किया, वेटर का काम किया। बहुत संघर्ष के बाद उन्हें एक सीरियल में काम मिला, बालाजी टेलीफिल्म के एक सास बहू सीरियल में उनको काम मिला। इसके बाद वो सुर्खियों में आ गई, उनका ये सीरियल बहुत हिट रहा। उन्होंने इस सीरियल में तुलसी नाम की महिला का किरदार निभाया। ये किरदार बहुत हिट रहा, इसकी वजह से उन्हें बहुत लोकप्रिय वो हुई। देश के हर घर में तुलसी नाम की चर्चा होने लगी। इसी के साथ स्मृति ईरानी पूरे देश में चर्चा में आ गई। टेलीविज़न में काम करने के बाद उन्होंने 2003 में सियासत में कदम रखा। 2003 में वो भाजपा में शामिल हुई। 2004 में वो महाराष्ट्र में युवा मोर्चा की नेता बनी। इसके बाद उनका सियासी करियर बढ़ता चला गया। उन्होंने अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली और लगातार वो बीजेपी में सक्रिय हो गई। 2010 में वो भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव बनी। इसके बाद 2011 में गुजरात से राज्यसभा की सांसद बनी। इसी दौरान उन्होंने 2003 से लेकर 2010 तक उन्होंने भाजपा में काफ़ी कड़ी मेहनत की। पार्टी नेताओं ने उनकी योग्यता को पहचाना और वो लगातार आगे बढ़ती गई। 2014 में उन्हें भाजपा ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा। उन्होंने कड़ी मेहनत की, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाई। 2014 में चुनाव हारने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया और उन्हें HRD मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें सौंपा गया। लेकिन इस मंत्रालय में काम करने के दौरान स्मृति ईरानी से कई विवाद जुड़े और कई विवादों में, चाहे वो JNU का मामला हो, चाहे विमला आत्महत्या वाला कांड रहा हो, वो इतनी ज़्यादा विवादों में आ गए कि आखिरकार उन्हें HRD मंत्रालय से हटाया गया और उन्हें कपड़ा मंत्रालय सौंप दिया गया। हालांकि बीजेपी के अंदर उनकी जो पैड थी और जो उनकी स्थिति थी वो मजबूत लगातार बनी रही। 2019 में एक बार फिर भाजपा ने उन्हें अमेठी से चुनाव मैदान में उतारा और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी चुनौती देते हुए चुनाव प्रचार किया और लगातार वो अमेठी में काम करती रही और शायद यही उनकी जीत बड़ी वजह बनी। आप देखते रहिए MCD न्यूज़।
My starting point was doing jhadu pocha at McDonald's. So imagine if I was just happy there and I didn't want to go ahead. So I walked up to my manager and I said, you know, one day I could be your deputy. He said, one day when? I said, like next week. He's like, why? I said, because I know the process, give me a chance. So the idea is the minute you're happy with where you are, which is a good thing, you will stay where you are, but beyond a point, it'll turn into a disappointment because you are capable of growing beyond it. Similarly, communication, that's step one, this is step two. Ask the right questions, get the right answers. And always, always be strong on facts. Okay, so I was born here in Munirka, above a tabela. Actually born in Lady Harding Hospital. And my parents, the first home they had was in Munirka, above a tabela, one room. And I have come from that one room. And I stand here before you today. So nothing about my current situation gives me stress. If I was still in that tabela, I'd be really stressed. I think that that is what these challenges do to you. The idea is that you want a better life, you want to be in a better place, and once you go there, you say, "Arey yaar, bada stress hai. Arey bhai." So once you've reached there, you need to look back. There's a Hindi shabd that's called Sihavalokan. Look back and see how far you've come. And be happy about it. And once you're happy being where you are, you thank your blessings, you thank the opportunities that you've had, nothing stresses you out. And like I said, if somebody tries to stress me, I stress them out, but that again can't go viral. Bagga. I thought that I'm going to be a leader, I'm going to be a cabinet minister, I didn't think about it. I thought that I'm as an actor, television mein sabse best banu. मुझे जब एक्टिंग का पहली बार मौका मिला मुझे ये नहीं पता था रोल कितना इम्पोर्टेंट है उस वक्त मेरी जेब में 200 रुपए थे मेरे लिए वो पेचेक बहुत इम्पोर्टेंट था और क्योंकि मेरे पास ना घर था ना कोई बैंक बैलेंस था तो मेरा पहला एक साल पूरा का पूरा वो घर बनाने में थोड़ा सा बैंक बैलेंस लाने में मतलब डर लगता था मुझे कि अगले महीने नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी उस वक्त पूरे देश में हंगामा था तुलसी तुलसी एंड आई कुडंट केयर अ डैम अबाउट इट बिकॉज आई वाज मोर बॉदर्ड कि मेरा अगला पेचेक आएगा या नहीं आएगा तो आई थिंक आप जिस सिचुएशन में हैं उसको देखने का आपका नज़रिया क्या है उस पर बहुत डिपेंड करता है okay. बाहर से लोगों को लगता है वाह क्या लाइफ है अंदर क्या घट रहा है वो सिर्फ आपको पता है तो एक बार मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया उसके बाद मैंने उस सफलता को और उन लोगों को त्यागा नहीं जो मेरी उस जर्नी का हिस्सा थे उस जर्नी में बहुत लोग ऐसे मिले जिन्होंने फॉर इंस्टेंस आई वॉज वर्किंग टू द लास्ट डे दैट आई गिव बर्थ टू माई चाइल्ड एंड केम बैक 3 days आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी आस्क एनी वुमन इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई हैड पीपल हु टोल्ड एकता कपूर अरे यार इसकी तो अब बच्चा हो गया शी लुक्स अगली She looks so fat. Why would you give her a job again? Heroine to achhi dikhni chahiye. I faced all that. Yeah. And I kept doing my job. And everybody asked me, how will you deal with it? I said, I'll be so good at my job that they'll not find somebody like me. And I think that is where you become a leader. You become so good at what you do that people say that, yes, this is a job to be done by you. And second, people around you who unconditionally, without judging you, are still nice to you, especially when you're down and out, just keep those people along. And that is where you get where I am today. I've had people who have just supported me irrespective. They have not asked me. For instance, why have I said Bagga 10 times today from this stage? I have been through very, very challenging times even in my political life. If I call him, he will never ask me, Didi kyun? That is a very big ask. That is a very big confirmation of support to you. And I never forget the people who have supported me. But I also don't forget people who have cheated me and life is not going to be rosy. Forgive, but never forget. Ma'am, so that you don't make the same mistakes again. Ma'am, it's a I think that the fact that in our country a male hero
is playing Padman is one big change. So that is one big change. Second aspect, that it's happening in mainstream media, mainstream cinema. That's another aspect. Third aspect is Twinkle could have, as a producer, produced anything because her husband is a superstar. The fact that she chose this subject in itself says a lot, that there are people willing to put money behind the message. Every day, there is a girl at the back. Is Devanshi here? Come out. Oh, she's not. Okay, you see this girl here? Come up here so that people can see you. Let me embarrass you as well. I met her when she was in the 10th standard. And I met her backstage when I was doing a Gujarati play. And her parents came and told me ki ye padhai nahi kar rahi, iska board ka exam hai, aap kuch karo. Isko pura din tulsi dekhna hai. And I gave her a good 20-25 minute lecture. And I stayed in touch with her. What, you went to Oxford or something like that? You went somewhere, yeah? So, and then one day she started working for the CM of Gujarat. And then one day I called her to Delhi to work with me. मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे पार्लियामेंट में स्पीच देनी है तो मैं जब पार्लियामेंट के डोर पे पहुंचूंगी तब देनी है, तब तैयारी करनी है. मैं जो डेली अपने काम में सीखती हूँ उसको मुझे याद रखना है बार बार. और फिर आप कभी भी मुझे बोलो कि मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मुझे कोई जवाब देना है, मेरे पास जवाब होता है. सो बोर्ड इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट. इट इज़ योर फर्स्ट सच एक्सपीरियंस. व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आ देते, यू विल नॉट बी स्केर्ड. अगर पहले से ही डिफीटिस्ट मेंटालिटी होगी तो तुमको बोर्ड तो जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ लगेगा. बट इमेजिन दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड यूज इट साइकोलॉजिकली लाइक दैट. सो आई टेल यू द ट्रिक. द ट्रिक इज दिस, दैट यू टेक द मोस्ट बोरिंग पीस ऑफ लिटरेचर और पेपर अवेलेबल, इवन इफ इट मीन्स अ मिल्क कार्टन वेयर यू हैव इंग्रेडिएंट्स फैट 3%, कार्ब्स 12%, रीड इट आउट एज इफ इट्स अ फेरी टेल. Read it out as if it's a great script you're reading out. And the boring, the more boring the stuff, and the more eloquent your, you know, speech about it, that helps you set the tone. So it's a very old trick that my grandfather, my Nanaji taught me. He would have me read some very boring stuff and I would go, oh, this is so boring. He would say, the idea is that a speaker needs to enthrall you and hold the audience captive with the way they explain a particular thing. So start with your accounting ledgers, which according to me is the most boring thing you can read, and make it sound wonderful. And this applies to engineering students as well. So start reading, and this is something I learned very early in life. Reading out loud, pronunciation gets better, but do it with somebody who loves you enough to tell you when you're wrong. Not with somebody who will pat your back just to get rid of that exercise that you're undertaking.